आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंशु वर्मा आप सभी का हमारे कंपटीशन कम्युनिटी परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष हमारे फास्टैग रिविजन इनिशिएटिव के अंतर्गत साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का एक संयुक्त टॉपिक लाया हूं। इसमें मैंने कुछ ऐसे प्रश्नों को संकलित किया है जो कि पिछले प्रश्न पत्रों में थे और इसके अलावा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। मुख्यतः साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में एक अंतर होता है। ब्याज तो वो दोनों मूलधन पे ही निकलता है, लेकिन साधारण ब्याज सिर्फ मूलधन पे निकलता है और प्रतिवर्ष समान रूप से बढ़ता है। अगर पहले वर्ष ब्याज 100 रुपये है तो दूसरे वर्ष भी 100 रुपये होगा। इस तरीके से जो ब्याज है वो बराबर बढ़ता है, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो मूलधन पे तो लगता ही है, इसके अलावा जो पिछले वर्षों के ब्याज होते हैं उन पे भी लगता है। तो हम एक उदाहरण के साथ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ अंतर समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इस उदाहरण को प्रश्न के तौर पे लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है। देखिए 100 रुपये का मूलधन है, समय है 2 वर्ष और दर है 10% का। अगर साधारण ब्याज निकालते हैं तो पहले वर्ष का ब्याज जो होगा वो कितना होगा, 10%। 100 रुपये का कितना होता है, 10%, 10 रुपये होता है। उसके बाद जब हम दूसरे वर्ष आएंगे साधारण ब्याज निकालने के लिए तो 10% फिर से मूलधन पे, सिर्फ मूलधन पे निकलेगा और ये 10 रुपये होगा। तो साधारण ब्याज जो होता है वो प्रति वर्ष समान बढ़ता है। पहला वर्ष 10 रुपये, दूसरा वर्ष 10 रुपये, अगर समय बढ़ जाता 3 वर्ष होते तो भी 10 रुपये होता, हर वर्ष 10 रुपये ही होता। लेकिन अब हम चक्रवृद्धि ब्याज में आते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में जो पहला वर्ष होता है वो ब्याज सिर्फ और सिर्फ मूलधन पे निकलता है। मूलधन 100 रुपये है, 10% का दर है, तो मतलब 10 रुपये। और जब हम दूसरे वर्ष पे आएंगे तो मूलधन पे तो ब्याज निकलेगा चक्रवृद्धि ब्याज जो कि 10 रुपये होगा, लेकिन इसके पश्चात जो पिछला वर्ष का ब्याज है जो कि पहले वर्ष का ब्याज है उसमें भी 10% लगता है, उसमें भी 10% कैलकुलेट होगा। 10 रुपये का 10% कितना होगा, 1 रुपये होगा, तो 1 रुपये लगेगा। कुल मिला के आप देख पाएंगे कि जो साधारण ब्याज था उसमें सिर्फ मूलधन पे ब्याज लगा, और लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पे ब्याज लगने के बावजूद एक ब्याज कुछ ऐसा भी है जो पिछले ब्याज पे लगा। तो इसका मतलब है कि चक्रवृद्धि ब्याज एक चक्र की तरह बढ़ता है और पिछले जो ब्याज होते हैं उसमें भी ब्याज लगता है। प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। 4000 रुपये पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के बाद कितना ब्याज होगा। देखिए मूलधन कितना है, मूलधन मतलब आधार संख्या कितना है, 4000 रुपये है, और दर कितना है 6% का। अगर 6% का दर है तो 1 साल का कितना ब्याज होगा, यहाँ पे 10% 400 रुपये होता है तो 1% 40 रुपये होगा। 1% 40 रुपये होगा तो 6% कितना होगा, 240 रुपये। 240 रुपये 6% होगा, लेकिन ये 1 वर्ष का होगा। मैंने बताया साधारण ब्याज हर वर्ष समान बढ़ता है। अगर पहले वर्ष 240 है तो 3 वर्ष के बाद 240 गुना 3 हो जाएगा। इसी प्रकार जब समय का 3 से हम गुना करेंगे दर पे, और ये बात समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो दर है ये 3 वर्षों तक समान बढ़ेगा, 6% 6% 6%, मतलब पहले वर्ष 6% मूलधन पे निकलेगा, दूसरे वर्ष 12% मूलधन पे निकलेगा और तीसरे वर्ष 18% मूलधन पे निकलेगा। इसी प्रकार ब्याज पे भी अगर पहले वर्ष 240 रुपए है तो 3 वर्ष के पश्चात ये बढ़कर 240 गुना 3 हो जाएगा, 24 या 72, और 10 पुट कीजिएगा तो 720 उत्तर होगा आपका। यदि साधारण की एक विशेष दर से कोई राशि 3 वर्षों में 7 गुना हो जाए तो कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न में मूलधन नहीं बताया गया है, मूलधन को 100 रुपये मानकर चलते हैं और परिस्थिति के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। देखिए 100 रुपये मूलधन है और ये 3 वर्षों के बाद कितना हो जाएगा, 7 गुना, मतलब कि 7 गुना 100 का 7 गुना 700, और ये अमाउंट हो जा रहा है। मूलधन जो है वो हमेशा स्थिर होता है और अमाउंट 700 हो गया है, इसका मतलब क्या है कि 600 रुपये ब्याज हो गया है, 600 रुपये ब्याज हो गया, और ये कितने वर्षों में हुआ है, 3 वर्ष में, 3 वर्ष में 600 रुपये। और साधारण ब्याज जो है प्रतिवर्ष समान बढ़ता है, इसका मतलब ये है कि 1 वर्ष के बाद ब्याज कितना रहा होगा, 200 रुपये रहा होगा, 200 रुपये रहा होगा। अब प्रश्न के अगले पार्ट में चलते हैं, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि यही राशि जो 100 रुपये मूलधन है वो कितने वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी, 10 गुनी, मतलब 1000 रुपये हो जाएगी। 1000 रुपये होने का मतलब ये है कि ये 900 रुपये ब्याज के रूप में हो जाना है, क्योंकि 100 रुपये मूलधन तो उतना ही रहेगा। अब देखिए जब 1 वर्ष में 200 रुपये ब्याज होता है तो 900 रुपये ब्याज होने के लिए कितना वर्ष लगेगा, 200 से 900 बनने में, मतलब कि 2 को 9
9 बनने में 4.5 गुना लगता है, 4.5 टाइम्स होता है 2 का 9, तो इसका मतलब ये 4.5 गुना हुआ है, तो समय भी 4.5 गुना होगा और उत्तर होगा 4.5 वर्ष, मतलब 4.5 साल। ब्याज के इस प्रश्न को सॉल्व करने का एक और तरीका है जो बहुत ही छोटा है, देखिएगा। साधारण ब्याज के इस प्रश्न में ये फॉर्मूला यूज कीजिए, N1-1/N2-1=T1/T2। जब समय का उल्लेख किया है तो T1/T2, जब रेट दर का उल्लेख किया तो R1/R2। यहां पे देखिएगा, इस फॉर्मूले पे देखिएगा, यहाँ N1 क्या है, यहाँ N1 7 गुना होना है, 7 है, और N2 क्या है, जो अगले पार्ट में 10 गुना होना है, 10 है, और यहाँ T1 क्या है, जो 3 वर्ष बताया गया है वो T1 है, T2 क्या है हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए, 7 से 1 को घटाइए 6 हुआ, 10 से 1 को घटाइए 9 हुआ। अब ये 3 वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, ये T2 यहाँ लिख दीजिए। अब सॉल्व कीजिए, 3 1 3, 3 2 6। अब 2 और 9 है, 9 कितना गुना होता है, 4.5 गुना होता है, इसका मतलब है 4.5 वर्ष उत्तर होगा। प्रश्न देखते हैं, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 800 रुपये पर मिश्र धन 960 रुपये हो जाता है, यदि साधारण ब्याज की दर 1% बढ़ जाए तो 800 रुपये कितनी हो जाएगी। देखिए इस प्रश्न में मूलधन कितना है, 800 रुपये मूलधन है, 4 वर्षों में ये 960 हो जाता है, इसका मतलब जो ब्याज है वो 160 रुपये हो जाता होगा, और ये कितने वर्ष में होता है, 4 वर्षों में। अब देखिएगा प्रश्न की परिस्थिति ऐसी है, कहा यह जा रहा है अगर दर में 1% वृद्धि कर दी जाए, मान लीजिए ये किसी भी दर से हम इसमें 160 रुपये ब्याज लग रहा होगा, हम कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है इस प्रश्न के हिसाब से। देखिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे साइड पे जो 1% एक्स्ट्रा है वो साइड में हम निकाल लेंगे। देखिए 1% एक्स्ट्रा होना, ये 800 रुपये का 1% होना कितना होता है, 10% 80 रुपये होता है और 1% 8 रुपये होता है, 8 रुपये होगा। और जो समय है वो 1 वर्ष नहीं है, वो 4 वर्ष है, 4 वर्ष है, इसका मतलब ये है कि 8 रुपये 4 वर्ष तक ब्याज 8 रुपये बढ़ता रहेगा, इसका मतलब 8×4=32 रुपये हो जाएगा। और अब ये एडिशनल ब्याज के कारण जो ब्याज 160 रुपये था, ये 32 रुपये जुड़ के 192 रुपये हो जाएगा, और ये 192 रुपये टोटल ब्याज इस 800 रुपये मूलधन पे जब जुड़ेगा तो ये कितना राशि दे देगा, 992 रुपये, और ये क्या होगा, उत्तर होगा। देखते हैं, कोई धन 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 360 रुपये अधिक ब्याज मिलता, मूलधन कितना होगा। देखिए इस प्रश्न में देखिए, ये जो है मूलधन की राशि है, इस पे कोई प्रतिशत का दर लग रहा है और कुछ समय तक ये दर लग रहा है, तो हमें वापस मिलेगा क्या, मूलधन में जो ब्याज मिल रहा है वो मिलेगा। अभी देखिए इस प्रश्न में ये परिस्थिति है कि 2% का दर अधिक हो रहा है, मान लीजिए कितना भी दर था इसमें 2% अधिक दर हो रहा है, और 2% अधिक दर हो रहा है वो कितने वर्ष के लिए, वो 3 वर्ष के लिए, इसका मतलब है जो ब्याज प्रतिशत है 2% और 3 वर्ष, वो 6% का ब्याज प्रतिशत बढ़ जा रहा है। इस 6% का ब्याज प्रतिशत के बढ़ने पर 360 रुपये ब्याज अधिक हो जा रहा है, तो इसका मतलब 6% की वैल्यू मूलधन पे 6% की वैल्यू 360 रुपये के वैल्यू के बराबर है, मूलधन पे 6% की वैल्यू 360 रुपये के बराबर है। अब देखिएगा इस प्रश्न में जब हम 1% की वैल्यू निकाल पाएंगे 6 से यहाँ डिवाइड करने पे, तो हम पाएंगे कि 60 रुपये 1% के बराबर है, और मूलधन जो राशि होती है वो आधार राशि होती है, वो 100% होती है, इसका मतलब है कि 100% 6000 के बराबर होगा। ये जो प्रश्न है ये सिर्फ साधारण ब्याज में आपको देखने मिलेगा, क्योंकि ये जो अधिक होने की बात है ये आपको चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं मिलेगी, क्योंकि साधारण ब्याज में जो भी ब्याज होता है वो एक समान बढ़ता है, 2% का अधिक हो रहा है या फिर बाद में जाके कितना भी अधिक हो रहा है, कहने का मतलब है पहले भी ब्याज और जो दर का जो रेशियो था वो समान था, अभी भी समान है, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से 2% और 3 वर्ष को आपस में मिला के 6% बना देंगे, और जो 360 रुपये अधिक हो रहा है उसे इक्वेट कर देंगे और 1% पाएंगे, फिर जो 100% पाएंगे, 100% ब्याज पाएंगे, वो मूलधन के बराबर होगा। देखते हैं, तीनों बैंकों अब और साधारण ब्याज की दरों का अनुपात 2:3:4 है, एक व्यक्ति अपनी बचत इन बैंकों में इस प्रकार जमा करता है कि प्रत्येक छमाही उसे तीनों बैंकों से बराबर ब्याज मिले, उसकी बचत को वह किस अनुपात में उन तीनों बैंकों में जमा करता है। मान लीजिए मेरे शहर में 3 बैंक है, आबासों को ए बी सी मान लीजिए, और मैं उन तीनों बैंकों में जाके उन बैंकों का दर पता करता हूँ, तो वो जो दर बताते हैं वो 2:3:4 में होता है, और मुझे जो ब्याज है वापस परिस्थिति के हिसाब से जो क्वेश्चन में है बराबर चाहिए।
इसका मतलब क्या है, इक्वल इंटरेस्ट। तो मैं जो अपनी बचत राशि है उसको जो जमा करूंगा वो किस अनुपात में करूंगा, ये बताना है। देखिए जब ये बैंक का दर कम है तो ये जमा राशि ज़्यादा होगी, तभी तो ये जो बैंक का दर ज़्यादा है उसमें और इसमें जो ब्याज बराबर मिले। तो ऐसी परिस्थिति में हम करते ये हैं कि हम इन तीनों अनुपात का रेसिप्रोकल निकाल के अनुपात निकालते हैं। लेकिन जो रेसिप्रोकल निकालने की प्रक्रिया है वो एक लाइन लंबी हो जाती है, इसलिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, जब हम इसका रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं तो ये दोनों अंकों को गुणा कर दीजिए, और जब इसका निकाल रहे हैं तो ये और ये अंक को, और जब इसका निकालेंगे तो ये दोनों अंकों को। इसका मतलब है कि 12 अनुपात 8 अनुपात 6 आ गया, लेकिन अनुपात हमेशा रिड्यूस फॉर्म में होता है, तो इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, और यही आपका उत्तर है। प्रश्न देखते हैं, गोपाल ने 5000 रुपये आंशिक रूप से 4% 5% वार्षिक दरों पर दो लोगों को उधार दिया। एक वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। देखिए गोपाल के पास 5000 रुपये थे, उसने पहले मित्र को इसमें 5000 में से कोई राशि दी और वो 4% की दर से दी, और दूसरे मित्र को वो 5000 से जितनी राशि बच गई है उतनी दी और 5% की दर से दी। जब उसे वापस राशि मिली ब्याज के रूप में तो उसने देखा कि ये 4.2% औसत दर से ये राशि मिली है। अब देखिए ऐसे प्रश्नों पे जहाँ पे ब्याज देखिए 3 वैल्यू देता है और बीच में एक औसत वैल्यू देता है, यहाँ पे हम मिक्सचर ऑफ एलिगेशन का एक टेक्निक यूज करते हैं जिसे मिश्रण की विधि कहते हैं। देखिए इस तकनीक में क्या होता है, ये जो वैल्यू होती है ये एक से बड़ी होती है और एक से छोटी होती है। यहां पे आपको ये दोनों वैल्यू निकालने में आसानी होगा क्योंकि हम इसका एक अनुपात निकाल लेंगे। देखिए 4.2 से 4 को आप घटाइए तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.2, और उस 0.2 को इस साइड में यहां पे आप लिख दीजिए। उसी तरीके से 5 से 4.2 को घटाइए, आपको 0.8 एक वैल्यू मिलेगी, इसे लिख दीजिए। अब ये 0.8 और 0.2 अनुपात के रूप में है, इसको और रिड्यूस कीजिए। 0.2 को सबसे पहले हटा दीजिए, अब 2 से कैंसिल कीजिएगा 4 आएगा, और यहाँ 2 से कैंसिल कीजिएगा 1 आएगा। अब ये राशि है, ये यहाँ से पता चल रही है कि ये 5000 की राशि 4:1 में बटी थी। अब 4:1, 4 और 1 को जोड़िएगा तो 5 आएगा, लेकिन राशि हमारी कितनी है, 5000 है, इसका मतलब 1000 गुना। उसी प्रकार से अगर हम ये दोनों अनुपात में 1000 का गुना कर दें तो हमें दोनों राशि मिल जाएगी। 4% की दर से 4000 रुपये उसने इस व्यक्ति को दिए थे, और ये भी बता सकते हैं कि 1000 रुपये उसने 5% के दर से दूसरे व्यक्ति को दिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 वर्ष बाद देय राशि 1092 रुपये को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्न जो साधारण ब्याज की किस्त के प्रश्न होते हैं ये मुश्किल लगते हैं, लेकिन जो तकनीक है, जो आसान सा तकनीक है, वो उपयोग करके हम आसानी से बना सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम किस्त को 100 रुपये मानते हैं, 100 रुपये किस्त है पहले साल की, अब इसके बाद क्या है, 12% का साधारण ब्याज है। अगर 100 रुपये में 12% का साधारण ब्याज लगेगा तो 12 रुपये होगा, और ये 12 रुपये अगर 100 रुपये में जुड़ जाए तो ये 112 रुपये दूसरे वर्ष हो जाएगा। फिर तीसरे वर्ष जब हम आते हैं तो 12% का इस 100 रुपये पे, ये राशि पे, इस राशि पे 100 रुपये का फिर से साधारण ब्याज लगता है जो कि 12 ही होगा, और 12 जोड़ देने पे ये 124 बन जाता है। अब देखिए अब 3 वर्ष का जो किस्त आ गया है, अब इस प्रकार से हम देखें तो ये 3 अगर वैल्यू का हम जोड़ देते हैं तो 100, 100, 200, 100, 300, और ये 12 और 24 जोड़िएगा तो 336। मतलब ये वैल्यू तब सही होती जब हमें देय राशि 1092 की जगह 336 देनी होती, लेकिन 1092 है देय राशि, देय राशि मतलब कि डेप्ट 1092 है। तो हम देख लेते हैं ये कितना गुना होता है 336 का, हम साइड में ऐसे डिवाइड कर लेंगे 1092 डिवाइडेड बाई 336। अब देखिए ये अंक कौन से अंक से डिवाइड होगा, 4 से होगा, क्योंकि इसका अंतिम जो 2 अंक है वो 4 से विभाजित होता है, इसका भी 2 अंक 4 से विभाजित होता है। 4 से डिवाइड कीजिए, 4 × 2 = 8, 2 हाथ में 7 चौक 28, 1 हाथ में 4 × 3 = 12, इस प्रकार से इसको कीजिए, 8 चौक 32, 1 हाथ में 16, 4 चौक 16। अब देखिए ये अंक किससे डिवाइड होगा, ये 4 से तो नहीं होगा, जोड़ते हैं इसको, 2 7 9 3 2 7 9 3 12, और ये 8 4 12, मतलब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करने जाते हैं ये 91 हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 2 8 8 = 24, ठीक है। अब ये 91 हो गया, ये 28 हो गया, अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों अंक किससे डिवाइड होंगे, 7 से होंगे, 7 चौक 28, 13 × 7 = 91। अब यहाँ पे 13 आया है, यहाँ पे 4 आया है, अब डिवाइड कीजिए, 4 × 3 = 12, इसके बाद 1 हाथ में 0.1 लगाइए, ये 1 10 बन गया,
चार दुनी आठ, अब दो हाथ में शून्य लगाइए, 20 बन गया, 4 × 5 = 20, मतलब कि 336 रुपये का तिगुना हो, तिगुना से भी ज़्यादा 3.25 गुना होता है 1092। इस 3.25 को अगर हम यहाँ पे गुना कर देंगे तो हमें एग्जैक्ट किस्त की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि है 325 रुपये। देखते हैं 4000 रुपये 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितने रुपये हो जाएगी। देखिए अब ये प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज का है, इसमें मूलधन 4000 रुपये है, इसमें हमें ब्याज बताना है, ब्याज के बाद मिश्रधन कितना बनेगा वो भी बताना है। देखिए 4000 रुपये मूलधन हो गया, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये एरो, पहला साल में कितना प्रतिशत का दर लग रहा है, 5% का, दूसरे साल भी 5% का। सबसे पहले पहले साल में सिर्फ मूलधन पे 5% लगेगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 10% 400 रुपये, 5% 200 रुपये। अब देखिए जब हम दूसरे वर्ष के लिए आते हैं तो हमें करना ये है कि जितना वैल्यू है सबका 5% निकाल दीजिए, इसका 5% कितना होगा, समान होगा, 200 रुपये होगा। अब देखिए इसकी बारी आ गई, यही अंतर पैदा करेगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पे, इसका 10% 20 रुपए होगा, 5% 10 रुपए होगा। अब देखिए ये कुल मिला के ब्याज है, ये मूलधन पे ब्याज 400 आया और ये 10 रुपए ब्याज पे ब्याज आया, कुल मिला के हुआ 410। अब इसको मूलधन से अगर आप जोड़ दीजिएगा तो कुल मिला के 4410 आपका मिश्रधन अमाउंट होगा, जो राशि वापस मिलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, 625 रुपये 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित समय के बाद 676 रुपये हो जाती है, समय ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज का है, जब हम साधारण ब्याज पढ़ रहे थे तो देख रहे थे जो साधारण ब्याज था वो प्रति वर्ष समान बटा था, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा है कि पहले वर्ष अगर 4% की दर से मूलधन पे 4% की दर से ब्याज मिला है तो अगले वर्ष वो 4×2 = 8% नहीं होगा, वो 8% से थोड़ा ज़्यादा होगा, वो थोड़ा ज़्यादा प्रतिशत क्या होगा, वो थोड़ा ज़्यादा प्रतिशत पिछले वर्ष का ब्याज होगा। अभी देखिए इस प्रश्न में देखिएगा 625 रुपये जो मूलधन है वो बढ़ के 676 रुपये हो जाता है, इसका मतलब ये है कि इसको घटाएंगे तो 51 रुपये का क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। ये 51 रुपये देखेंगे 625 का कितना प्रतिशत होता है, क्योंकि ब्याज निकालने पे प्रिंसिपल अमाउंट आधार संख्या होती है, अगर हमें प्रिंसिपल नहीं पता, मूलधन नहीं पता, तो हम ब्याज का प्रतिशत नहीं बता सकते। देखिए 51 कितना प्रतिशत होता है 625 का, 51/625 कीजिए, अगर आपको भिन्न रूप नहीं आता तो 100 से यहाँ गुना कीजिए, देखिए 25 × 100 25 × 25 = 625। अभी देखिए ये 51 है, ये 25 है, ये 4 है, ये कहीं से भी आपस में डिवाइड नहीं होगा, तो 25 से 51 को हम डिवाइड करते हैं, 25 × 25 25 × 50। अब 50 करने के बाद एक हाथ में आया, दशमलव लगाइए, तो एक 10 बन गया, 10 बन गया तो फिर भी ये डिवाइड नहीं होगा, तो एक शून्य लगाइए, तो अब ये 100 बन गया, 100 बन गया मतलब 25 × 100, तो ये हो गया 2.04। अब देखिए ये 2.04 हो गया, ये 4 हो गया, आपस में गुणा कीजिए तो 8.16% आता है। मैंने बताया आपको कि ये साधारण ब्याज नहीं है कि पहले वर्ष 4% है तो दूसरे वर्ष मूलधन का 8% निकालेंगे या तीसरे वर्ष 12% निकालेंगे, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, इसमें पहला वर्ष अगर 4% है तो दूसरा वर्ष मूलधन का 8% होगा, और ये जो 0.16% है ये ब्याज के आधार पर बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 51 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज जो लगा होगा वो कितने समय पर लगा होगा, 2 वर्ष पर लगा होगा। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से बहुत जल्दी डिकोड कर सकते हैं, देखिए जो भी ऐसे प्रश्नों में मूलधन या मिश्रधन दिया है उसको आप देखिए वो स्क्वायर नंबर है या क्यूब नंबर है, अगर स्क्वायर नंबर होगा तो ये 2 वर्ष का होगा, अगर क्यूब नंबर होगा तो ये 3 वर्ष का होगा। देखते हैं, राजू ने 10,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया, यदि ब्याज की गणना 6 माही हो तो 1 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस लौटाना पड़ेगा। देखिए ये प्रश्न तिमाही 6 माही का एक प्रश्न लेके आए हैं हम, ये प्रश्न बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले ऐसे प्रश्नों पर यह ध्यान देना है कि कितने समय तक हमें ब्याज निकालना है, 1 वर्ष तक, 6 माही दिया है, 6 माही कितने बार ब्याज निकालेंगे, 6 माही के हिसाब से तो 1 वर्ष होगा 2 बार, एक बार 6 माही और दूसरी दफा भी 6 माही, 6 माही मतलब हाफ ईयर है ना, 6 माही। अब देखिएगा जब समय 2 भागों में बट गया है तो जो रेट है, जो दर है, वो भी 2 भागों में बटेगा, जैसे दर दिया है 20%, तो 20% है तो ये भी 10% हो जाएगा, ये भी 10% हो जाएगा। देखिए कहीं ना कहीं कैलकुलेट करने पे ये 2 भाग मतलब 20% और 6 माही मतलब 1 वर्ष, अगर ये तिमाही का प्रश्न होता तो ये
तीन माह करके चार बार हम कैलकुलेट करते हैं, और जो ये दर होता ये 5% करके हम चार बार कैलकुलेट करते हैं। तो तिमाही छमाही से डरने का जरूरत नहीं है, हम बचपन से ये बात सुनते आ रहे हैं कि छमाही होने पे समय दुगुना हो जाता है। समय दुगुना अपनी अपने जगह नहीं होता है, बात ये होती है कि ये दो भागों में निकाला जाता है, ये दर जो है आधा आधा करके निकाला जाता है। बस इस प्रश्न पे बने रहिए और ध्यान दीजिए, प्रश्न को देखते हैं। देखिए, राजू ने 10,000 रुपये उधार लिए हैं दो बार 6 माह, कुल मिला के 1 वर्ष के लिए। 10% 10,000 रुपये का 1,000 रुपये होगा, उसी तरह 10% 1,000 रुपये का दूसरे 6 माह पे भी 1,000 रुपये होगा। अब देखिए, ये मूलधन पे तो ब्याज मिल गया, अब क्या करना है, ये 10% इसका निकालना है, मतलब कि किसका, ब्याज का। तो ब्याज का 10% कितना होगा, 10% 100 रुपये होगा 1,000 रुपये का। अब कुल मिला के ये मूलधन पे ब्याज 2,000 रुपये और ये 100 रुपये ब्याज पे ब्याज, तो कुल मिला के कितना हो गया, 2,100 रुपये हो गया। और ये 10,000 से जब 2,100 रुपये जुड़ेगा तो कितनी राशि हो जाएगी, 12,100। प्रश्न देखिएगा, 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 5%, द्वितीय वर्ष 4%, तृतीय वर्ष 6% हो। देखिए, इस प्रश्न में जो दर है वो तीन अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग है, तीन अलग अलग वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का दर है। देखिए कैसे बनेगा, मूलधन सबसे पहले आप लिख लीजिए 10,000 रुपये, और ये फर्स्ट ईयर 5%, सेकेंड ईयर 4%, थर्ड ईयर 6%। अब देखिए, मूलधन पे 5% आप निकालिएगा तो कितना होगा, 10% 1,000 रुपये होगा, 5% इसका आधा 500 रुपये होगा। अब देखिए, यहाँ पे तो पिछले वर्ष का ब्याज है नहीं, अब द्वितीय वर्ष आ जाइए, जो सेकंड ईयर है उस पे आ जाइए, वो क्या होगा, मूलधन पे कितना निकलेगा, 4% निकलेगा। 4% इसलिए निकलेगा क्योंकि प्रश्न में ऐसा परिस्थिति दिया हुआ है कि सेकंड ईयर 4% का दर है, तो 4% देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, 10% तो 1,000 था, 1% 100 रुपये होगा, 1% 100 रुपये होगा, तो 4% 400 रुपये होगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको पिछले वर्ष का भी 4% निकालना पड़ेगा। देखिए, जितने अंक थे, अगर इस अंक को छोड़िएगा, दो अंक थे, तो एक अंक इसका ब्याज, अब एक अंक इसका ब्याज निकालिएगा। अब देखिए, इसका कितना निकालेगा, 4% निकालेगा, क्योंकि द्वितीय वर्ष में 4% का दर है। देखिए, इसका 1% कितना होगा, 5 रुपये, 4% 20 रुपये। अब देखिए, बारी है थर्ड ईयर की, थर्ड ईयर में सबसे पहले आप देखिए, पहले देखिए, एक अंक, दो अंक, तीन अंक, चार अंक, इन चारों का ब्याज निकलेगा और 6% की दर से निकलेगा। पहले 6% की दर से मूलधन का निकालते हैं, 1% कितना था, 100 रुपये, तो 6% 600 रुपये। अब इसकी बारी, इसका 6% आपको निकालना है, इसका 6% आपको निकालना होगा। यहाँ पे देखिए, 1% 5 रुपये, 6% 30 रुपये। अब देखिए, अब इसकी बारी, इसका कितना प्रतिशत, इसका भी 6%, 1% 4 रुपये, 6% कितना, 24 रुपये। अब किसकी बारी, ये बच गया, अब इसकी बारी, इसका भी 6%। अब देखिए, यहाँ पे इसका 10% तो 2 रुपये होगा, लेकिन 1% इसका कितना हो जाएगा, 0.2 रुपये। इसी प्रकार से 6% कितना हो जाएगा, 2 × 6 = 12, और ये 0.1, 1.20 रुपये। अब देखिए, कुल मिला के हमारे पास ब्याज आ चुका है, और हम बताएंगे कि कितनी राशि ये वापस जमा करेगा। जो प्रश्न में जैसी परिस्थिति पूछी है, कितना ब्याज होगा बस पूछा है, तो ब्याज बता देंगे। अब देखिए, यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चलिए ब्याज बता देंगे। ये 500, ये 400, 900, ये 6, 1500, मूलधन जोड़े तो 1500। अब ब्याज पे आइए, 24 और 30 = 74, और ये 1.2, तो कुल मिला के 1574 और 1575.2, मतलब 1575.2। कुल मिला के किए ये है कि अलग अलग ईयर का अलग अलग परसेंट निकालें, मूलधन का जो है सेकंड ईयर से मूलधन और ब्याज दोनों का निकालते रहें, इतनी आसानी से बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अनिल ने 9,000 रुपये 2 वर्ष 4 माह के लिए उधार लिया, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% हो तो परिपक्वता पर उसे कितना धन वापस करना होगा। अनिल ने कितना रुपये उधार लिया, 9,000 रुपये वो उधार लिया, प्रथम वर्ष उसे 10% की दर लगेगी, कितना हो जाएगा मूलधन पे 10%, 900 रुपये, 900 रुपये हो जाएगा। अब द्वितीय वर्ष अनिल को फिर से 10% देना पड़ेगा, इस बार इस मूलधन पे देने के साथ साथ इस ब्याज पे भी देना होगा। मूलधन पे 10% कितना हुआ, 900 रुपये, अब इस ब्याज पे 10% कितना हो जाएगा, 90 रुपये। अब अनिल आता है थर्ड ईयर,
थर्ड ईयर में ये कहा गया है कि ये जो है पूरा पूर्ण वर्ष नहीं है, ये चार माह जो होता है वो 1/3 वर्ष होता है। इस तरीके से होता है कि 4 माह को आप 3 से गुणा कीजिए, 12 माह होता है, तो ये 4 माह 1/3 वर्ष होता है। अब देखिए, आप इस बात को अभी साइड रखिए, आप पूरे एक वर्ष का निकालिए। देखिए, 10% पहले मूलधन पे 900 रुपये, अब इस 3 ब्याज पे 10% लगेगा, इस पे 10% आपने निकाला तो हुआ 90 रुपये, इस पे 10% निकाला तो हुआ फिर से 90 रुपये, अब इस पे 10% निकाला तो हुआ 9 रुपये। अब कुल मिला के ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है ये 900 रुपये है, और ये दोनों सेकंड ईयर का ब्याज है ये 990 रुपये। अब ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो पूरा ब्याज है, ये एक पूरे वर्ष का है, और इसे जोड़ते हैं कितना होता है, 990 और 90 1080 और 9 1089। ये अगर पूर्ण वर्ष होता तो ब्याज 1089 होता, लेकिन ये 4 माह का है जो कि 1/3 वर्ष होता है, तो इसको भी 3 से आप डिवाइड कर लीजिए, 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 × 3 = 9, एक हाथ में 1 × 8 = 18, 3 × 6 = 18, और यहाँ पे 3 × 3 = 9, तो 363 रुपये आया। अब इसे इस वैल्यूज़ को जोड़ लीजिए आप, 003 हो गया ब्याज, 096 = 15, 5 हो गया एक हाथ में, 99 = 18 और 321 = 22, तो कुल मिला के ब्याज हो गया है 2253। ब्याज 2253 हो गया है, और आपसे पूछा क्या गया है कि मिश्रधन कितना होगा, ये दोनों को आप जोड़ दीजिए, जोड़ने पे क्या आएगा, 9000 और 2000 11000 और 253 रुपये, 11253 उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी धनराशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपये है, तब वो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे प्रश्नों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें दर और वर्ष का सही उपयोग करना आए। देखिए, इसमें मूलधन बताया नहीं है, हम इमेजिन करके चलेंगे। देखिए, क्या इमेजिन करेंगे, 12% जो दर है उसको भिन्न रूप में लिख लीजिए फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो 12/100, इसको 4 से कैंसिल कीजिए, 4 × 3 = 12, और 4 से जब 100 को डिवाइड कीजिए तो 25 आएगा, ये 3/25 अब आपके पास है। अब उपयोगिता समय की होती है, समय 2 वर्ष दिया है, जब भी जितना भी वर्ष देगा उसको उपयोग आपको करना ये है कि ये 2 वर्ष दिया है, तो इसका आप वर्ग निकाल लीजिए, या स्क्वायर कहते हैं, 25 का स्क्वायर निकाल लीजिए, 625 आपको मूलधन मान के आगे बढ़ना है, और परिस्थिति के हिसाब से आगे बढ़िएगा, आपको उत्तर अंतिम में मिल जाएगा। 625 रुपये इसका मूलधन हमने माना, और 625 रुपये में हमें 12% कहिए या 3/25 जो भिन्न रूप आया है वो कहिए, हम निकालेंगे इसका 3/25 जो कि 12% के बराबर होता है। तो प्रथम वर्ष में जब ये निकालेंगे 3/25, तो 625 × 3/25 करने पे 25 × 3 = 75, तो पहला साल का ब्याज 75 रुपये आएगा, ये मान के चल रहे हैं। अब सेकंड ईयर जब आते हैं तो भी 12% मतलब 3/25 निकालेंगे 625 का, मूलधन जो है मूलधन का ब्याज तो बराबर आएगा 75 रुपये। अब ब्याज पे ब्याज निकालेंगे, वो भी 12% मतलब 3/25 होगा, 75 का 3/25 अगर हम निकालेंगे तो हम ये पाएंगे कि 25 × 75 = 3 × 9 = 9 रुपये होता है। देखिए, इस प्रश्न में ये दिया हुआ है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर है वो 180 रुपये का। आप यहाँ से देखिए, जब भी हम साधारण ब्याज निकालते थे तो ये जो ब्याज होता था मूलधन का ब्याज, वो साधारण ब्याज में भी होता था, लेकिन एडिशनल चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज, और यहाँ पे ब्याज पे ब्याज क्या है, 9 रुपये। जब हम 625 रुपये मूलधन माने हैं तो हमारा जो अंतर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 9 रुपये आया, लेकिन प्रश्न में ये अंतर कितना दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है। 9 का 180 कितना गुना होता है, 20 गुना होता है। इसका मतलब जब ये रिलेशन 20 गुना होता है तो मूलधन में भी आपको 20 गुना करना पड़ेगा ताकि हमें जो एग्जैक्ट मूलधन मिल जाए। इसका 20 गुना करिएगा, 625 दुने कितना होगा, 1250। 1250 में ये 1 शून्य को और प्लेस कीजिएगा तो आपको उत्तर मिल जाएगा जो होगा 12500। अगला प्रश्न देखते हैं,
एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। देखिए समान प्रश्न जो साधारण ब्याज में भी था, लेकिन इस प्रश्न में हमें यह ध्यान देना है कि ये चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है, इसमें जो ब्याज होता है ये समान नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला एक अलग सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो T1/T2 इज इक्वल टू गुना एक, मतलब जो पहली बार गुना हो रहा है, एक का घात डिवाइडेड बाई गुना दो का घात। इंग्लिश में T1/T2 इज इक्वल टू पावर ऑफ टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई पावर ऑफ टाइम्स 2। प्रश्न में देखिएगा T1 के जगह 15 वर्ष, T2 हमें निकालना है। अब देखिए पावर ऑफ टाइम्स 1 कहिए या गुना 1 का घात कहिए, जब प्रश्न का पहला जो स्टेटमेंट रहेगा, जैसे 2 गुना कह दिया, 3 गुना कह दिया, 4 गुना कह दिया, आपको जो अंक कहा है 2 गुना का है तो 2 लिख के यहाँ ब्रैकेट कर दीजिए। अब अगली दफ़ा का है 8 गुना, तो आप 8 मत लिखिए, आप एज इट इज़ ये 2 का ब्रैकेट लिख दीजिए। अब परिस्थिति ऐसे बनेगी कि हमेशा हर प्रश्न में, ऐसे प्रश्नों में यहाँ पे आपको 1 ही लाना है। 4 गुना कहेगा तो 4 लिख के पावर पे 1 रखिए, ठीक है। अब देखिए, अब जो 8 गुना हुआ है, 2 का कितना पावर करने से ये 8 होता है, 2 को 3 बार गुना कीजिएगा, 2 का घात 3 जो होता है वो 8 होता है। तो अब ऐसे लिख लीजिए, अब फॉर्मूले में यूज़ है इसका और इसका। अगले लाइन में 15/T2 इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि कहा क्या था फॉर्मूला, गुना 1 का घात गुना 2 का घात पावर ऑफ टाइम्स 1 पावर ऑफ टाइम्स 2। अब ऐसे लिख लिए, अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 45 ईयर्स, 45 वर्ष। अगर ऐसे प्रश्नों में समय के जगह दर दिया है तो भी आप उत्तर पा लेंगे। देखते हैं, एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो वही 10 वर्षों में उसी ब्याज की दर से कितना गुना हो जाएगी। देखिए ऐसे प्रश्न जो है पिछले प्रश्न पत्रों में बहुत पाए गए हैं, पिछला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फॉर्मूला वही है, ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष में 2 गुना, 5 वर्ष और कितना गुना 2 गुना, 2 गुना का है 2 लिखिए, ब्रैकेट कीजिए और 1 पावर में दे दीजिए। उसके बाद क्या कहा है कि 10 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा ना, तो यहाँ 10 लिखिए और नीचे कितना गुना हो जाएगा, ये जो ब्रैकेट के साथ 2 है ये एज इट इज रहेगा और ये कितना गुना हो जाएगा उसको एक्स कर दीजिए। देखिए इस फॉर्मूले का जो अगला लाइन होगा वो इस प्रकार होता है कि 5/10 ये 1/x हो जाता है। तो यहाँ से आप पाएंगे कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू अगर 2 पुट कीजिएगा तो ये जो पहले परिस्थिति में 2 गुना थी, एक्स की वैल्यू 2 डालिएगा तो ये 4 गुना हो जाएगी और उत्तर 4 गुना होगा। देखते हैं, यदि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के पश्चात मिश्रधन मूलधन का 6.25 गुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज का दर क्या होगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के ऐसे प्रश्नों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, टाइम होगा। ये जो 2 वर्ष है इसको साइड में आपने 2 वर्ष लिख दिया। इसके बाद देखिए मूलधन जो है वो 6.25 गुना हो जाता है, मूलधन हमेशा आधार संख्या नीचे लिखाएगा 1। अब मिश्रधन है जो मूलधन पे ब्याज के जुड़ने से बनता है, वो कितना हो जाता है, 6.25 गुना हो जाता है। 1 का 6.25 गुना कितना हो जाएगा, 6.25 हो जाएगा। अब देखिए इस दशमलव का अगर आप हटाइएगा तो क्या होगा, नीचे 100 से डिवाइड हो जाएगा तो 625/100। देखिए उपयोग यहाँ पे वर्ष का है, मैंने आपको बताया था यहाँ 2 वर्ष है तो आपको करना ये है कि 2 वर्ष है इसीलिए यहाँ पे वर्गमूल निकाल देना है, स्क्वायर रूट निकाल देना। अगर 3 वर्ष होता तो घनमूल निकाला जाता है, क्यूब रूट निकाला जाता है। देखिए स्क्वायर रूट निकालिए, 625 का 25 और 100 का 10। अब ये मूलधन 10 बन चुका है 1 वर्ष के लिए, हमने 1 वर्ष का निकाल दिया है। अब हम यहाँ पे मूलधन और मिश्रधन के अंतर से समझ जाएंगे कि जो ब्याज का दर है वो कितना है। अगर 10 रुपये मूलधन है और 25 रुपये मिश्रधन है, इसका मतलब ब्याज कितना है, 15 रुपये। 15 रुपये ब्याज है और कितने पे है, 10 रुपये पे, क्योंकि आधार संख्या 10 होती है, मूलधन पे ही तो ब्याज निकलता है। तो 10 पे 15 रुपये ब्याज है, इसका मतलब ये है कि प्रतिशत कितना होगा, 100 से गुणा करके चेक कर लीजिए, 0 से 0 कटा, 150%। देखते हैं 1100 रुपये जिनके 2 बराबर किस्तों में वापस करना है जो उधार लिए गए, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए के होंगे। देखिए ये जो प्रश्न है किस्त का प्रश्न, ये चक्रवृद्धि ब्याज पे, जो हमने पहले किया था वो साधारण ब्याज पे था, इसमें एक अलग सा फॉर्मूला लगता है, आप ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला ये है कि मूलधन बराबर किस्त
अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये गुणनखंड में एक सीरीज रहेगी x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ये सीरीज ये है कि जितना वर्ष रहेगा उस हिसाब से बढ़ते रहेगी। अगर 3 वर्ष का है तो 3, 2 वर्ष का है तो 2। अभी ध्यान दीजिए, मूलधन की वैल्यू दे रखी है 1100 रुपये और किस्त हमें निकालना है। किस्त को इंग्लिश में कहते हैं इंस्टॉलमेंट। देखिए किस्त हमें निकालना है यानी कि इंस्टॉलमेंट। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी उस पर ध्यान देते हैं। x की वैल्यू जो होती है वो 100 / 100 + r होती है। r जो होता है वो दर होता है, रेट होता है, यहाँ पे 20% है। तो 100 / 100 + 20 कीजिएगा तो कितना आएगा 100/120, और इसको रिड्यूस कीजिए 10/12, 2 से कैंसिल कीजिए 5/6, 5/6 आ गया एक्स की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू 5/6 हमने यहाँ पे पुट किया। अब उसके बाद जो है दो बराबर किससे, मतलब कि 2 वर्षों का होगा, तो 5/6 यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 25/36 आएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 36 से डिवाइड कीजिए 36 को, 6 आएगा, 6 × 5 = 30। 36 से डिवाइड कीजिए 36 को, 1 आएगा, 1 से 25 को इंटू कीजिए 25। आईफोन इंस्टॉलमेंट अभी देखिए 1100 रुपये है, ये इंस्टॉलमेंट है। 30 + 25 कितना होगा, 55 होगा, डिवाइड बाय 36, हमें ये वैल्यू निकालनी है। अभी यहाँ देखिए 55 और यहाँ 1100 है, जो 110 होता है वे 55 का 2 times होता है, तो 55 × 2 = 110, ये 0 के यहाँ पुट कीजिए 20 हो गया 20 और ये 36। जब हमें किस्त की वैल्यू या कहें तो आई की वैल्यू निकालनी है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 20 × 36 कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, देयर इज ऑलवेज अ व्यू ओवर द कमेंट बॉक्स फ्रॉम आवर टीम, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर साइड। थैंक यू। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।